हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स। सो गाइस, आज हम लोग आ गए हैं इस रिच इंडिया के एक और हैंडलूम्स को लेकर, जो कि है मैसूर सिल्क साड़ियाँ। जी हाँ, आपने सही सुना। और आज हम बताने वाले हैं इसी मैसूर सिल्क साड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो मैसूर सिल्क एक इंडिया का ऐसा GI टैग जो कि अपनी प्रीमियम क्वालिटी और बेस्ट ऑफ ड्यूरेबिलिटी के वजह से ना सिर्फ घर घर तक बल्कि अब तो देश विदेश तक भी पहुंच चुका है और इसकी आज डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तभी मैसूर सिल्क को द क्वीन ऑफ सिल्क भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं इसी मैसूर सिल्क के प्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में। इन दी हर्ट ऑफ मैसूर यू कैन फाइंड अ लॉट मैनी सिल्क वीविंग इंडस्ट्री, जो कि एक नहीं बल्कि हजारों एकड़ तक फैला हुआ है। और यहाँ पर सिल्क का काम काफ़ी सालों से चला आ रहा है, जो कि अपने में ही एक मिसाल है। यहाँ पर 750 से भी ज़्यादा छोटे और बड़े सिल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे सेरिकल्चर, डाइंग, यार्न प्रोडक्शन, वीविंग और सेलिंग तक के भी सारे प्रोसेस करे जाते हैं। मैसूर की ये सिल्क इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 10 हैंडलूम से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये काम बढ़ता गया और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती गई, वैसे वैसे यहाँ पर अब हाई स्पीड पावर लूम जापान और स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री से भी इम्पोर्ट होने लगी है। और इन्हीं सारी न्यू टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड मशीन्स के आने की वजह से आज मैसूर सिल्क की क्वालिटी और मास प्रोडक्शन में भी वृद्धि हुई है। इसी के वजह से आज हम लोग मैसूर सिल्क को वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम सिल्क की कैटेगरी में भी गिनते हैं और इसकी और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। बॉम्बिक्स मोरी या कहे सिल्क वॉर्म, जो कि मलबरी लीव्स पे ही रहता है और एज अ फीड खाता है, ये सेरिकल्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और यहाँ पे 90% मलबरी लीव्स इनको खाने में दिया जाता है। इंडिया जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है ओवर द वर्ल्ड, साथ ही लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं। मैसूर सिल्क की हिस्ट्री की बात करी जाए तो ये काफी सालों से यहाँ के ट्रेडिशन में है, जिसका क्रेडिट यहाँ के राजा टीपू सुल्तान और हैदर अली को जाता है। और इन्हीं के ही विजन के वजह से आज मैसूर सिल्क लोगों में इतना विख्यात है। 1900 के दशक में राजा वूडे अय्यर के कार्यकाल के दौरान यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला। साथ ही यहाँ पर सबसे पहले सिल्क वीविंग इंडस्ट्री महाराजा कृष्ण राज वूडे अय्यर ने स्थापित करी। 1912 में मैसूर गवर्नमेंट ने यहाँ पे सिल्क प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए एक सोसाइटी बनाई, जो कि आज सिल्क वीविंग फैक्ट्री के नाम से भी जानी जाती है। इस पूरे सिल्क प्रोडक्शन में यहाँ के सिल्क फार्मर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि एक स्पेशल पेपर के ऊपर ये पूरे सेरिकल्चर का प्रोसेस करते हैं। इस सेरिकल्चर के प्रोसेस में जब एग्स फूट जाते हैं तो उन यंग वॉर्म्स को इंग्लिश में लार्वा और कन्नड़ में चाके हुडू कहते हैं। इन छोटे छोटे लार्वा के बच्चों को फ्रेश मलबरी लीव्स पूरे 35 दिन तक खिलाया जाता है और इन मलबरी लीव्स को खाने के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं और सिल्क वॉर्म बन जाते हैं, जिसके बाद इन छोटे छोटे सिल्क वॉर्म को यहाँ पर ऐसे फ्रेम्स में लाया जाता है। ये सिल्क वॉर्म अपने चारों तरफ अपने सलाइवा को यूज करके एक कुकून बना लेते हैं। इनके सलाइवा में एक स्पेशल प्रोटीन नाम का केमिकल होता है, जिसको कहते हैं सेरासेन, और ये काफ़ी चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि जब हवा में कॉन्टैक्ट में आता है तो वो सिल्क कुकून बना देता है। यहाँ पर हर एक कुकून एक माइल सिल्क थ्रेड जितना लंबा सिल्क बनाता है और ये सारे के सारे महिलाएं उन्हीं कुकून में से सिल्क निकाल रही हैं। सिल्क प्रोडक्शन की शुरुआत गवर्नमेंट कुकून मार्केट रामनगर और सिद्लगट्टा से होती है।
रामनगर जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कुकून मार्केट है, यहाँ पर अलग अलग जगह से सिल्क फार्मर आके डायरेक्टली मैन्युफैक्चर को कुकून बेचते हैं, जिससे उनको डायरेक्ट फायदा होता है और सारा पैसे सिल्क फार्मर के पास ही जाता है। यहाँ पर करीब करीब 40 मीट्रिक टन का सिल्क हर दिन बेचा जाता है, जो कि हर पांचवे ऑक्शन तक आते आते 10,000 लाख रुपए का बिजनेस जनरेट करता है। यहाँ पे जितने भी ऑक्शंस और बिडिंग होते हैं वो सब के सब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और कंट्रोल के अंदर ही होते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे ऑक्शंस को रेगुलेट किया जाता है और परचेज किया जाता है, जिसके बाद ये सारे के सारे शिपमेंट टी नरसीपुरा के यान सिल्क फैक्ट्री की तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेजे जाते हैं। टी नरसीपुरा की ये रॉ यान सिल्क फैक्ट्री कई एकड़ तक फैली हुई है, जहां पर 90% महिलाएं ही काम करती हैं। यहां पर सिल्क आने के बाद इन कुकून्स को थोड़े समय के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इन कुकून्स को अच्छे से चेक किया जाता है और हॉट एयर से निकाला जाता है। हॉट एयर से निकालने के वजह से इनकी लाइफ साइकिल और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर से सिल्क वर्म बाहर नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से कुकून डैमेज नहीं होता है और ये शिपमेंट कई महीनों तक बिल्कुल सुरक्षित रहती है। इसी की वजह से ये हॉट एयर का प्रोसेस करना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद कुकून को नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहां पर कुकून को हॉट बॉइलिंग वाटर से निकाला जाता है, जिसके वजह से कुकून सॉफ्ट हो जाता है, साथ ही सेरेसिन गम भी निकल जाता है। कुकून को बॉइलिंग वाटर में निकालने के वजह से ये खुल जाते हैं और साथ ही इस कुकून का स्टार्टिंग स्ट्रेंथ भी पता लग पाता है। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए कम से कम 8 से 10 महिलाओं की ज़रूरत पड़ती है और ये पूरे काम में काफ़ी समय लग जाता है। हर एक कोकून में से 800 से 900 मीटर तक का सिल्क निकलता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 400 से 600 मीटर तक का सिल्क ही वीविंग करने के लिए इस्तेमाल में आता है। बाकी सारे सिल्क को ये लोग सेकंड ग्रेड के सिल्क में डाल देते हैं, जिससे रॉ या स्टेपल सिल्क के साड़ियाँ बनती हैं। रॉ सिल्क को इसके बाद सिल्क वीविंग इंडस्ट्री में भेजा जाता है, जिसको काफ़ी सारे क्वालिटी पैरामीटर्स पे चेक किया जाता है। इससे पहले कि रॉ सिल्क को वीविंग के लिए भेजा जाए, उसको काफ़ी सारे प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस में इस पूरे कोकून को खोला जाता है, ताकि कोई भी नॉट, वीक स्ट्रैंड, छोटे छोटे सिल्क के थ्रेड्स या फिर कहें सारा का सारा डर्ट निकल जाए, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्योर सिल्क ही आगे जाकर मिले। इसके बाद यहाँ पर 2 से 3 स्ट्रैंड्स को एक साथ मिलाकर ट्विस्ट किया जाता है, ताकि सिल्क थ्रेड में और ज़्यादा स्ट्रेंथ आए। इसके बाद यहाँ पर इन थ्रेड्स को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यहाँ पर ट्विस्ट किया जाता है, ताकि इसमें और स्ट्रेंथ आए। फिर यहाँ पर इन यार्न्स को एक बैरल में डाल रहे हैं और हॉट एयर से निकाल रहे हैं, ताकि ये थ्रेड अलग अलग हो जाए, और इन्हीं थ्रेड को इस्तेमाल करके यहाँ पर एक लॉन्ग थ्रेड बनाया जा रहा है। इसके बाद आता है वाइंडिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर उन सभी लंबे धागों को कोन्स के ऊपर लपेटा जाता है। यही सारे कोन्स के ऊपर लपेटे हुए धागों को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहले भाग में ये सारे के सारे धागों
को लेके इसको वार्पिंग प्रोसेस में भेजा जाता है। वार्पिंग प्रोसेस जिसमें ये सारे के सारे कोन्स को लगाकर एक बड़े से वॉर्प बीम के ऊपर लपेटा जाता है। ये वॉर्प बीम हमारे वीविंग के लिए काम आती है। तो दोस्तों, कपड़े में दो तरीके से धागे चलते हैं। लंबाई की तरफ से चलता है वॉर्प बीम का धागा, वहीं पर चौड़ाई के लिए वेफ्ट साइड के धागों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर तभी दो तरीके से इन पूरे कोन्स या फिर कहें धागों की रील्स को बांटा गया था, एक वॉर्प बीम की तरफ और एक वेफ्ट बीम की तरफ। यहाँ पर साइड बाय साइड गोल्डन थ्रेड्स का भी इस्तेमाल होता है। ये सारी गोल्डन थ्रेड्स यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के काम के लिए यूज़ होती है और साथ ही साड़ी पर बॉर्डर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करी जाती है। और इन्हीं सब इन गोल्ड के थ्रेड्स को यूज़ करने की वजह से यहाँ के मैसूर सिल्क की साड़ी में इतना सुंदर डिज़ाइन बन के आता है। ये सारे के सारे वर्क मशीन मेड ही करे जाते हैं। यहाँ पर इस इंडस्ट्री में हर दिन कई हजारों साड़ियाँ बनकर निकलती हैं, जो कि कस्टमर्स के डिज़ाइंस और डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोड्यूस करी जाती है। इसके बाद साड़ियों को फोल्ड करके आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले इन सभी साड़ियों को एक अलग से केमिकल से निकाला जाता है, जिससे इनकी सारी स्टिफनेस निकल जाए। फिर आता है डाइंग प्रोसेस। यहाँ पर कस्टमर्स के डिमांड के अकॉर्डिंगली साड़ियों को डाई करा जाता है और उसके बाद इनको स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। और जैसे कि दोस्तों हमने पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको सांगानेरी स्क्रीन प्रिंटिंग, वैसे ही यहाँ पर भी स्क्रीन प्रिंटिंग करी जाती है और साथ ही यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइंस और मोटिव्स से तैयार करी जाती हैं ये सारी की सारी सुंदर सुंदर मैसूर सिल्क साड़ियाँ। और फाइनली इस प्रोसेस के अंदर इन सारी साड़ियों को अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली चेक करा जाता है, ताकि कोई भी छोटा डिफेक्ट ना रह जाए। फिर यहाँ पर इनकी स्टिकर्स और बारकोड लगाए जा रहे हैं और साड़ियों को फाइनली फोल्ड कर देने के बाद इनको आगे शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूरे प्रोसेस एक मैसूर सिल्क साड़ी बनने के लिए, जिसमें कुकून से लेकर वीविंग और लास्टली हम लोगों ने आपको इसकी पैकेजिंग, फोल्डिंग और कैसे ये रिटेल स्टोर तक पहुंचता है, ये सारे प्रोसेस हमने आपको इस व्लॉग में दिखाए। तो आप हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मैसूर सिल्क का व्लॉग कैसा लगा, और अगर आपने कभी भी मैसूर सिल्क की साड़ियाँ खरीदी है तो हमारे को ज़रूर कमेंट करके ये बताइए। तो दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक और रिच इंडिया के हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के साथ। तब तक बाय बाय एंड बी सेफ।